हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए, हाइपर वी सीरीज़ में आज हम सीखते हैं कि वर्चुअल हार्ड डिस्क हम कैसे क्रिएट करते हैं और वर्चुअल हार्ड डिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो हाइपर वी है या कोई भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वो तीन टाइप के डिस्क टाइप्स को प्रोवाइड करती है। इनमें से एक होती है फिक्स साइज, एक डायनेमिकली एक्सपेंडिंग हार्ड डिस्क होती है, और एक होती है डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क। तो तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या इनके बीच में इनको लगाने से क्या फर्क पड़ता है, ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो जो फिक्स साइज की जो वर्चुअल हार्ड डिस्क होती हैं, वो बेसिकली आपको जो स्टोरेज है वो उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना आप हार्ड डिस्क को स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 GB की हार्ड डिस्क स्पेसिफाई कर दी, तो आपको वो स्टोरेज इमीडिएटली 50 साइज रिजर्व हो जाता है उस वर्चुअल हार्ड डिस्क के लिए। मतलब जो फाइल आप, जो जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा डेटा है वो .vsd फाइल में सेव होता है, तो उस फाइल के लिए इमीडिएटली 50 GB अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो 50 GB ही इमीडिएटली उसके लिए फिक्स हो जाता है। और उसको जो भी डेटा है, चाहे वो 5 GB का है, चाहे 15 GB का है, चाहे 25 GB का है, बट जो फाइल साइज रहेगा वो उसका 50 GB होगा और इमीडिएटली उसको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसको इसका जो इसका बेनिफिट बेसिकली यही होता है कि जो डेटा इस पे सेव होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है और हमें ये बॉदर करने की जरूरत नहीं होती है कि डिस्क स्पेस आपकी अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड जो हमारा टाइप है, वो होता है हमारा डायनेमिकली एक्सपेंडिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क ज़्यादा पॉपुलर है और ये बेसिकली इमीडिएटली आपके जो फाइल है उसको वो साइज नहीं प्रोवाइड करती है जो आप साइज देते हैं, बट जितना जितना साइज का डेटा एक्चुअली में स्टोर होता चला जाता है उतना उतना साइज ये आपके फाइल को अलॉट करती चली जाती है। मान लीजिए आप जब डिस्क क्रिएट कर रहे हैं और आपने 50 GB साइज दे दिया, बट जब आपने इंस्टॉलेशन की और सॉफ्टवेयर डाले तो उसमें 15 GB का यूज हुआ, तो ये एक ब्लॉक्स में उसको लेती है। तो या तो 2 GB या 4 GB जो भी इसका साइज होता है, ये उस साइज के अकॉर्डिंग इसको अलॉट करती चली जाती है। तो ये नहीं कि 50 GB अगर हमने दे दिया तो इमीडिएटली उसको 50 GB इसने रिजर्व कर दिया उस हार्ड डिस्क के लिए, बट जितना डेटा, अगर हमने 20 GB का डेटा है हमारा, तो ये 20 GB अप्रोक्सीमेटली हार्ड डिस्क को कवर करेगी और फाइल साइज हमारा 20 GB ही दिखेगा। और ये ग्रो तो होती है, बट इसका एक है कि ये ऑटोमेटिकली श्रिंक नहीं होती है। मान लीजिए मैं इसको 40 GB तक ले गया और मैंने इसको इसमें से डेटा हमने डिलीट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 10 GB का डेटा डिलीट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज कम हो जाएगा फिजिकल हार्ड डिस्क से। उसके लिए मुझे इसको श्रिंक करना ही पड़ेगा। तो ये भी बड़ी पॉपुलर टाइप है और आपको यही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये इसका एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे ये हमारी टोटल हार्ड डिस्क है 50 GB की, और अभी अगर 25 GB यूज़ हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 25 GB ही उसमें से यूज़ करेगी, बट एक्चुअल साइज जो इसका रहेगा वो जो अगर 50 GB है तो 50 GB ही रहेगा। जो एक और हमारा टाइप है, दैट इज डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क। तो डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क भी बड़ी पॉपुलर है ये, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट है, इसमें जो हार्ड डिस्क है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सेट हो जाता है। मतलब एक हार्ड डिस्क के ऊपर बेस्ड हम दूसरी हार्ड डिस्क बनाते हैं। तो इसका जो मेन एडवांटेज होता है कि जो हमारा मेन हार्ड डिस्क है, पेरेंट हार्ड डिस्क है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और चाइल्ड जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हम चेंजेस करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चाइल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं एक फिजिकल हार्ड डिस्क से। जैसे कि आप देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए, मान लीजिए ये बेस हार्ड डिस्क है और मैंने इसके ऊपर सर्वर 2008 इंस्टॉल कर दिया, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बेस है ये एज इट इज रहे, या मैंने इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी भी डाल दी है और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ मेजर चेंजेस हों, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ और मैं इसकी एक डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क क्रिएट कर देता हूँ, तो जो भी चेंजेस होंगे हम इसमें परफॉर्म करेंगे, बाय चांस ये हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या ये मेरे लिए यूजेबल ना रहे, तो मैं इसको डिलीट करके एक और डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ, या एक से ज्यादा भी एक समय में डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ। तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा, जो भी मैं वर्क करूंगा, वो इन डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क के ऊपर होंगे और ये बेस जो मेरी हार्ड डिस्क है ये एज इट इज सेव्ड रहेगी। तो ये हमारे मेजर तीन डिस्क टाइप्स हैं जिनमें से हम इनको यूज करना सीखते हैं।
इसके लिए मुझे, मैंने सर्वर मैनेजर ओपन किया और हाइपर वी मैनेजर में मैं चला गया। हाइपर वी मैनेजर आपको मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में भी मिलता है, या फिर आप सर्वर मैनेजर्स में रोल्स को एक्सपेंड करें और उसमें हाइपर वी और हाइपर वी मैनेजर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसको आप राइट क्लिक करेंगे जब अपने सर्वर को, तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है, तो आप न्यू वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी का हमारा जो एम है वो है न्यू हार्ड डिस्क का। तो वर्चुअल हार्ड डिस्क हमें दिखाते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली, दो बटन हैं नेक्स्ट और फिनिश, अगर मैं डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ तो एक हार्ड डिस्क बन जाएगी और वो हार्ड डिस्क 127 GB की हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस विजिट के थ्रू जाएं और कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो हम इसको नेक्स्ट पेज को क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं, फिक्स साइज, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग और डिफरेंसिंग। तो फिक्स साइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक फुल फिक्स साइज उसी टाइम पे अलॉट हो जाएगा, तो हम एक एक करके तीनों टाइप्स बना के देख लेते हैं। पहले फिक्स साइज लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसका नाम जो लोकेशन है और इसका नाम रख देते हैं न्यू फिक्स्ड साइज डिस्क। और नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए 127 GB, मान लीजिए मैं इसको 10 GB स्पेस देना चाहता हूं, तो देखिए वो बता रहा है कि फिजिकल ड्राइव्स ये हैं और इसमें आप किस के ऊपर अलॉट करना चाहते हैं, आप यहां से भी अलॉट कर सकते हैं या फिर जो डिफॉल्ट लोकेशन हमने दी है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए विजिट पूरा हो रहा है और हम फिनिश इसको प्रेस कर देते हैं। देखिए वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा है जो कि हमारी सी ड्राइव में क्रिएट होगी। तो और इसने इमीडिएटली उसको साइज अलॉट कर दिया है, अभी देखिए क्रिएट हो रही है, अंडर प्रोसेस है। तो ये देखिए इसका साइज 10 GB। तो इमीडिएटली उसने 10 GB उसको अलॉट कर दिया। तो हम फिक्स साइज हार्ड डिस्क हमारे हमें फिक्स साइज देती हैं। चलिए दूसरी टाइप की हार्ड डिस्क देखते हैं कि दूसरे टाइप की हार्ड डिस्क कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ टाइम ले रहा है उसको क्रिएट करने के लिए। तो देखिए ये 10 GB की हार्ड डिस्क क्रिएट हो गई है और हम यहां से इंस्पेक्ट कर सकते हैं डिस्क को। तो देखिए दो डिस्क दिखा रहा है आपको, एक जो हमारी हार्ड डिस्क है और एक हमारी न्यू फिक्स साइज VSD। तो अगर हम जो 10 GB की है हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको जो दूसरे टाइप की हमारी हार्ड डिस्क थी जो डायनेमिकली एक्सपेंडिंग है, अब हम उसको क्रिएट करना सीखते हैं कि उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे दोबारा से हम इसको डिस्क पे जाते हैं और एक न्यू हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं और इस बार हम डायनेमिकली एक्सपेंडिंग हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, लोकेशन देखिए बिल्कुल सेम है, बट इस बार हार्ड डिस्क का टाइप जो है हम उसको दे देते हैं डायनेमिकली, DE लिख देते हैं, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग हार्ड डिस्क, और नेक्स्ट प्रेस करके
इसका साइज हम दे देते हैं, मान लीजिए 25 GB। नेक्स्ट और फिनिश। दोबारा से हम इसको चेक करते हैं और इसका साइज ये देखिए, बेशक हमने इसका साइज पिछली वाली हार्ड डिस्क से ज्यादा दिया, लेकिन देखिए उसने अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो एक बहुत छोटा सा साइज जो कि 52 KB ले लिया है। और जैसे जैसे इसमें डेटा सेव होता चला जाएगा इस हार्ड डिस्क में, तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये सेकंड टाइप की हार्ड डिस्क होती है, इसको भी हम डिलीट करते हैं और हम थर्ड टाइप की हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं, और जो कि हमारे एक पेरेंट हार्ड डिस्क के ऊपर बेस्ड होगी, न्यू हार्ड डिस्क। और इसमें से हम डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क, तो देखिए विजर्ड में थोड़ा सा चेंज आएगा, पहले तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इस बार न्यू डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए वो पूछ रहा है स्पेसिफाई, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन ऑफ द वर्चुअल हार्ड डिस्क, जहां पे आप ये हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं। फिर देखिए वो आगे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई द वर्चुअल हार्ड डिस्क डेट यू वॉन्ट टू यूज एज अ पेरेंट फॉर द डिफरेंसिंग, तो आपको पेरेंट हार्ड डिस्क बतानी है, जो कि हमारी इस समय एक ही हार्ड डिस्क है जिसपे हमारा सर्वर रन कर रहा है, और वो है हमारी, मैं आपको दिखा दूं कि हमारा सर्वर, हमने एक हार्ड डिस्क बना रखी है, ये वाली हार्ड डिस्क जिसपे मैंने सर्वर डाला हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड हम ये हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं। तो इसको लिया, ओपन किया, नेक्स्ट किया और इसको हम फिनिश करते हैं। यस, तो एक एरर आ गया है, तो एरर हमें ये बता रहा है कि जो द चेन ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क सिस्टम कैन नॉट लोकेट द पेरेंट वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर डिफरेंसिंग। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बंद करते हैं मशीन को। और दोबारा से कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, और इसमें से डिफरेंसिंग, नेक्स्ट, जो हमारी पेरेंट हार्ड डिस्क है उसको लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, इस हार्ड डिस्क का नाम पेरेंट हार्ड डिस्क। इसकी प्रॉपर्ट सेटिंग्स में जाते हैं और इसकी लोकेशन चेक करते हैं, इसकी हार्ड डिस्क कहाँ पड़ी है, तो थोड़ा लोकेशन में गड़बड़ हो गई, तो हम ये लोकेशन पे इसको, एक्चुअली में जो हमारी सर्वर हार्ड डिस्क पड़ी है वो किसी और लोकेशन पे पड़ी है, डी ड्राइव में, हाइपर वी और सर्वर वन, तो हम इस लोकेशन से इसको डिफरेंसिंग, थोड़ा पाथ में गड़बड़ हो रही थी, तो इसको दोबारा से हम क्रिएट करते हैं, न्यू हार्ड डिस्क जहां पे आप क्रिएट करना चाहते हैं, डिफ एचजीडी, नेक्स्ट, लोकेशन देते हैं, ये वाली है कॉन्फ़िगर डिस्क जहां पे हमारी पेरेंट हार्ड डिस्क पड़ी है जो पिछली बार हम गलत डाले थे, तो इस तरह के एरर्स भी आपको पता लगने चाहिए। नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखिए एक हार्ड डिस्क इंस्पेक्ट करते हैं, तो एक नई हार्ड डिस्क बन गई है, इसका साइज अभी सिर्फ 256 KB है। तो देखिए इस सेशन में हमने सीखा कि कैसे हम डिस्क टाइप्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने तीन टाइप की डिस्क देखी, जिनमें से हमने फिक्स साइज, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग और डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क बनाई। तो नेक्स्ट मशीन पे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क के ऊपर बेस्ड एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और जज करेंगे कि कैसे हमारे पेरेंट हार्ड डिस्क में डेटा सेव रहता है और हम डिफरेंसिंग हार्ड डिस्क में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।